इरफान क्या कहोगे? जानवर 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 ऐसा क्यों? जानवर जानवर जानवर। कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक बार फिर एमपी एमएलए कोर्ट में गुरुवार को उनकी पेशी हुई, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। लेकिन इस दौरान इरफान सोलंकी का अचानक से गुस्सा फूट उठा, जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कड़ी सुरक्षा में जब इरफान सोलंकी को कोर्ट में लाया जा रहा था, तभी कोर्ट परिसर में मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की। तब इरफान का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा और उन्होंने खुद को बार बार चिल्लाकर पांच बार जानवर कहा। सुनिए एक बार। इरफान इरफान क्या कहेंगे? इरफान क्या कहोगे? जानवर 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 ऐसा क्यों? जानवर 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 ऐसा क्यों कह रहे हो? इरफान इरफान क्या कहेंगे? इरफान क्या कहोगे? जानवर 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 ऐसा क्यों? जानवर 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 ऐसा क्यों कह रहे हो? सुना आपने, लेकिन मौके पर मौजूद किसी को कुछ समझ नहीं आया आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। पर अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था। दरअसल 28 मार्च को अदालत ने आदेश पूरा नहीं लिखा था, जिसको लेकर 4 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन एक बार फिर फैसला टल गया। इस तरह से इरफान पर फैसला ये पांचवी बार टला है। मामले में अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी, जिसमें फैसला आने की उम्मीद है। बता दें कि जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी, जिसमें इरफान सोलंकी समेत 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद से इरफान सोलंकी जेल में बंद हैं।